ऐसे तो मकर संक्रांति से ही घड़ा बनाने का काम शुरू हो जाता है। घड़े और सुराही का पानी स्वास्थ्य के लिए काफ़ी फायदेमंद है। घड़े को तो देसी फ्रिज भी कहते हैं। पूरे जिले में बढ़ती प्रचंड गर्मी के कारण देसी फ्रिज की मांग भी काफ़ी बढ़ गई है। प्रचंड गर्मी में देसी फ्रिज यानी मिट्टी के घड़े की बढ़ती मांग को देखते हुए बाजारों में कुम्हार कई किस्म के घड़े बाजार में बेच रहे हैं। मांग के साथ साथ इनकी कीमतों में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। आज बाजार में घड़े की कीमत 100 रुपए से ही 120 रुपए है। कुम्हार ग्राहकों की मांग के अनुरूप कई प्रकार के घड़ा, सुराही, मटके का निर्माण कर बाजारों में बेचते हैं। वहीं कई लोगों का कहना है कि इस समय हम सभी को मिट्टी के बने घड़े का ही इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे हम गर्मी में शरीर को स्वस्थ रख सके। गर्मी काफ़ी पड़ रही है इस दिनों, तो ठंडे पानी की जरूरी है, और कोरोना के चलते फ्रिज वाटर नहीं पीना है, तो नेचुरल वाटर के हिसाब से घड़े का पानी ज़्यादा अच्छा है, इसलिए घड़ा खरीद के मैं ले जा रहा हूँ, घड़े का पानी पीऊँगा। हाँ, हर साल लेता हूँ, लेकिन इस साल ज़्यादा ज़रूरी है। कभी कभी नहीं भी लेने से फ्रिज वाटर से काम चल जाता था, लेकिन इस साल कोरोना के चलते फ्रिज वाटर को नेगलेक्ट कर रहा हूँ। हालांकि कोरोना वायरस को देखते हुए लॉकडाउन के कारण कुम्हारों ने घड़े सुराही तो बनाए थे, लेकिन खरीदार नहीं होने के कारण बिक्री पर खासा असर हुआ। कुम्हार अपनी पीड़ा बताते हुए कहते हैं कि इस बार गर्मी में लॉकडाउन के कारण बिक्री नहीं हुई। इन दिनों हर कुम्हार परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इस बार तो बिक्री हम लोग का नहीं हुआ है, है ना, यहाँ पर रेड जोन में हम लोग फंसे हुए रह गए हैं। हम लोग को इस बार निहत्ते तो कुछ बिक्री नहीं हुआ इस बार। ये बारिश की वजह से हम लोग घड़ा भी नहीं बिक रहा है ना। जो बिकने का समय था तो रामनवमी का समय बिकता था, उसमें तो लॉकडाउन ही लग गया, और अभी का जो मौसम है सो उतना हम लोग को बिक नहीं पा रहा है। कल तो हम लोग का बैरियर खुला है। हाँ, घड़ा में जो है सो स्वादिष्ट पानी या ठंडा पानी रहता है ना, सुराही घड़ा हुआ, आपका बोतल हुआ, ये समय समय ठंडा ही पानी रहता है। आज के इस आधुनिक युग में लोग गर्मी में फ्रिज का पानी पीते हैं या फिर बाजार में उपलब्ध कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं और गर्मी दूर भगाते हैं, लेकिन मिट्टी से बने घड़े और सुराही का इस्तेमाल कम ही करते हैं। आज इस कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लोग एक बार फिर मिट्टी से बने घड़े और सुराही का इस्तेमाल जोर शोर से करने लगे हैं। हालांकि लॉकडाउन में कुम्हारों को निराशा ही हाथ लगी है, लेकिन इन दिनों जिस तरह से कुम्हारों के दुकानों में भीड़ देखी जा रही है, उसे देखकर तो यही लगता है कि मिट्टी से बने घड़े के पानी का स्वाद का आनंद हर कोई लेना चाहता है। ओंकार अवामी के लिए रांची से सहयोगी दीपक के साथ कुमार अनिल की रिपोर्ट।